फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑयली स्किन के लिए एक बेस्ट वाला फेशियल किट, जो कि है होम फेशियल किट, और ये है फ्रॉम ओरिफ्लेम। पहले बता दूँ, अगर आपको कोई भी ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट परचेस करना है तो डेफिनेटली कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेस मत करना। कोई भी ओरिफ्लेम के कंसल्टेंट से आप उसको परचेस कर सकते हो। आपके आसपास बहुत सारे कंसल्टेंट्स होंगे ओरिफ्लेम के, क्योंकि इसका चेन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपको किसी ना किसी के पास से तो ये मिल ही जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन का जो प्रोडक्ट्स होते हैं ओरिफ्लेम के, वो ज़्यादातर डुप्लीकेट होते हैं। आज मैं जो फेशियल किट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये, और ये है ओरिफ्लेम का टी ट्री वाला फेशियल किट। ये वाले फेशियल किट अगर आप एक बार परचेस कर लेंगे तो आपको बहुत दिन तक ये चलने वाला है। अगर आप ये घर में यूज कर रहे हो, एटलीस्ट 15 डेज में एक बार आपको ये यूज करना है। इसमें 4 स्टेप्स है। वैसे मेरे पास इसका पूरे जो बॉक्स है वो नहीं है, सिर्फ इसका प्रोडक्ट्स है, क्योंकि बॉक्स बहुत दिन हो गया तो मैंने इसको फेंक दिया है। इसके जो बॉक्स थे उसके अंदर 4 प्रोडक्ट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाऊंगी क्या है। फर्स्ट इसके अंदर है क्लींजर, जो कि है स्टेप 1। स्टेप 2 में है स्क्रब, 3 में है फेस मास्क, एंड स्टेप 4 में है फेशियल लोशन, जिसको कहते हैं हम मसाज क्रीम। वैसे इसके साथ एक और मसाज क्रीम था, सेम ही था, बट मेरा वो खत्म हो चुका है तो मैंने और एक परचेस कर लिया, क्योंकि वो और ये एकदम सेम है। तो पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ऑयली स्किन के लिए है टी ट्री। आपके फेस के जो ऑयल सीक्रेशन है वो बहुत हद तक कम करता है, तो इसके वजह से पिंपल्स वगैरह बहुत कम होती है। जिन लोगों के ऑयली स्किन के वजह से बहुत ज़्यादा पिंपल होती है, जैसे कि मेरे, तो उन लोगों के लिए ये वाले फेशियल किट एकदम बेस्ट वाला है। तो मैं ये वाले फेशियल किट बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मेरे प्रीवियस फेशियल्स देखेंगे तो उनमें से ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है मैंने इसी को ही यूज़ किया है। वो आफ्टर मेकअप हो या कुछ हो, मैंने सिर्फ अपने ब्राइडल के लिए दूसरे ब्राइडल वाला फेशियल किट ही यूज़ किया था। और ये यूज़ करने में बहुत ज़्यादा ईजी है, और 20 मिनट्स के अंदर आपके पूरे के पूरे फेशियल कंप्लीट हो जाते हैं। आपको कोई प्रोफेशनल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद इसको यूज़ कर सकते हो और दूसरों को भी करा सकते हो। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं मेरा आज का फेशियल। सबसे पहले मैं अपने हेयर को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेती हूँ ताकि फेस के ऊपर ना आए। तो अभी मैं वाटर स्प्रे कर रही हूँ। वैसे ये टोनर नहीं है, वाटर स्प्रे है। अगर आप फेशियल करते टाइम साथ में एक वाटर स्प्रे लेके बैठोगे ना, तो आपको बहुत ईजी होगा फेशियल करने में, क्योंकि बार बार स्प्रे चाहिए होता है। तो अभी मैं क्लींजर यूज़ कर रही हूँ, लव नेचर वाला क्लींजर फ्रॉम ओरिफ्लेम, और इसका रेंज है टी ट्री फॉर ऑयली स्किन। अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसको ले सकते हो, जैसे कि मैं इतना ले रही हूँ। ये एकदम जेल कंसिस्टेंसी में है और एकदम ही जेंटल है, तो इसीलिए ज़्यादा ना फेस पे सोप नहीं होते हैं। मैं यूज़ करूँगी तभी आपको पता चलेगा कि एकदम ही सोप नहीं है। आपको 15 डेज में एक बार इसको करना ही है, वरना आपके स्किन ठीक नहीं रहेंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि स्टेप बहुत लंबा है, 4 स्टेप्स है, और सारे स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। क्लिनजिंग के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्क्रब। क्लिनजिंग के बाद मैं अपने फेस को वॉश करके आई थी, और उसी गीले फेस पे आपको करना है स्क्रब। तो ये भी आप अकॉर्डिंग टू योर नीड ले सकते हो, कितना क्वांटिटी में आपको चाहिए। तो मुझे जितना चाहिए मैं अकॉर्डिंग टू माय फेस साइज इसको ले रही हूँ। और इसका ग्लो व्यूज जो है बहुत ही सॉफ्ट सा है, और ये भी जेल कंसिस्टेंसी में है, कोई भी सोप नहीं आता है। तो अच्छी तरह से 3 मिनट्स के ऊपर मैंने स्क्रबिंग किया, क्योंकि बहुत दिनों तक मैंने स्क्रबिंग नहीं किया था। स्क्रब करने से आपके फेस के ऊपर का जो डेड स्किन सेल्स का लेयर है वो उठ जाते हैं, तो इसीलिए 15 डेज में एक बार तो आपको स्क्रब करना ही है। तो अगर आप फुल फेशियल एक बार कर लोगे तो आपका पूरे के पूरे सेट कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रबिंग के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मास्क, और ये भी है टी ट्री मास्क, और ये मैट वाला मास्क है, जैसे क्ले होता है ना, क्ले वाला, वैसा वाला मास्क है। और इसमें से ना एक ऐसा पिपरमेंट का खुशबू आती है ना, क्या बताओ, बहुत ठंडक भी पहुँचता है फेस को, और ऑयलीनेस भी बहुत हद तक कम होता है।
पिंपल को सरप्रेस करने के लिए ये टी ट्री वाला फेस पैक बहुत ही काम का है, और जितनी बार भी मैंने बहुत ज़्यादा पिंपल फेस किया है ना, मैंने इसी को अप्लाई किया है। कभी मैंने टोटल फेशियल भी नहीं किया है, बस मैंने फेस पैक को अप्लाई करके छोड़ दिया है, तो ओवरनाइट बहुत ज़्यादा काम किया। तो आप इसको इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हो, और फुल सेट यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाँच से दस मिनट के अंदर ये सूख चुका है मेरे फेस पे टाइटली एकदम, तो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। तो वॉश करने के बाद मैं अपने फेस को कर रही हूँ टॉवल ड्राई, और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप टॉवल ड्राई करो, फेस के लिए एक अलग सा टॉवल आपको रखना है, वो कोई कॉटन का टॉवल हो या कुछ भी हो जो आप बॉडी पे यूज़ करते हो ना शावर के टाइम, वो कभी मत अपने फेस पे यूज़ कर लेना। तो अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ द लास्ट स्टेप, और विच इज़ मसाज लोशन और फेशियल लोशन, मसाज क्रीम जो भी बोलो आप, ये भी टी ट्री का ही है, सेम रेंज का, सेम फेशियल किट का। तो ये अगर ख़त्म हो जाते हैं तो आप इसको रिपर्चेस कर सकते हो, क्योंकि ये अलग से भी मिलता है। इसको मैं अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेती हूँ। आज मैं कोई भी एपरेटस का यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई भी मसाज मशीन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट कुछ देर पहले ही मैंने एक मसाज मशीन का यूज़ किया था, तो इसीलिए अभी मुझे नहीं करना है। बस मैं क्रीम से ही, अपने हाथों से ही सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ, जितना ब्लड सर्कुलेशन होगा वही अच्छा है आपके स्किन के लिए। तो कंप्लीट होने के बाद ऐसा हुआ है इसका रिजल्ट, मुझे मेरे जो गाल है बहुत ही ज़्यादा स्किन सॉफ्ट लग रहे हैं, और यहाँ के जो डिसल्स वगैरह होते हैं ना रिमूव हो चुका है मुझे लग रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। और जो मास्क के बारे में मैंने बताया है, एकदम ही कूलिंग इफेक्ट देता है, तो समर में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कॉमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और अगर दूसरे कोई डिटेल्स आपको चाहिए फेशियल किट के बारे में तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वेरी गुड बाय, टेक केयर।